हम जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करें कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, क्योंकि श्रीनगर भी स्मार्ट सिटी बनने वाली है, तो जैसे जम्मू में इलेक्ट्रिक बसेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं, वैसे ही अब श्रीनगर में भी ई रिक्शास यानी कि इलेक्ट्रिक रिक्शास की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि जो बाहर से जो यात्री आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनको भी ई रिक्शास का लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा। डिफकॉम श्रीनगर ने एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे, जैसे कि एडिशनल कमिश्नर कश्मीर, कमिश्नर SMC श्रीनगर, ADC श्रीनगर, चीफ टाउन प्लानर, VC, STA, SSP ट्रैफिक, RTO कश्मीर और बाकी के जितने भी अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में कहा गया कि लगभग जितनी भी तैयारियां हैं ई रिक्शास की सुविधाएं देने के लिए वो हो चुकी हैं, अब सिर्फ इनके लिए जो रूट और चार्जिंग स्टेशंस हैं वो अब उसके लिए भी जल्द ही जो कवायद है वो जारी कर दी जाएगी। डिफकॉम ने बताया कि शुरुआत में ई रिक्शास को उन रास्तों पर चलाया जाएगा जहां पर जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही यानी कि आना जाना कम होगा, यानी कि जो खाली रोड्स होंगी वहां पर सबसे पहले इनका ट्रायल लिया जाएगा। इसके अलावा डिफकॉम ने ये भी कहा कि ई रिक्शा के लिए स्टैंड जो हैं वो भी निर्धारित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा को उसका मालिक जो है वो अपने घर में भी चार्ज कर सकता है। मान लीजिए जैसे ई रिक्शास चल रहे हैं अपने रूट पर हैं, तो उस दौरान अगर बैटरी जो है वो लो हो जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी से ये रिक्शास चलेंगे, अगर इनकी बैटरी लो हो जाती है तो ये अपने घर पर भी चार्ज कर सकते हैं। ना सिर्फ घर पे भी, इनके लिए शहर के अलग अलग जो जगहें हैं वहाँ पर भी इनके लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे ताकि इनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि इनका जो किराया है वो कितना रहेगा। जैसे जम्मू के लोग अब ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस तो शुरू होने वाली हैं, लेकिन क्या इनका किराया उतना ही रहेगा जितना जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चल रही हैं, जो ऑटो वाले चार्ज कर रहे हैं, किराया क्या उतना ही रहेगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है तो इनका किराया भी उस तरीके से जेन्युइन होगा। तो अब जो लोग हैं वो जो श्रीनगर के लोग हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि ई रिक्शास तो शुरू होने वाले हैं लेकिन इनका जो किराया है वो कितना रहेगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि डिफकॉम ने ये भी कहा कि जो इनका किराया रहेगा वो आम यात्रियों के लिए और जो लोग हैं वहाँ के उनके लिए जेन्युइन रहेगा, सस्ता रहेगा। ई रिक्शास को लेकर घोषणा तो कर दी गई है, अब देखना ये होगा कि कब ये ई रिक्शास सड़कों पर उतरेंगे और कब श्रीनगर के लोग और जो बाहर से यात्री आएंगे वो इस ई रिक्शा का लुफ्त उठाते हुए नज़र आएंगे।